देखो भाई, ए भाई ए भाई ए भाई 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 जो दिखा सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, व्यू भाई कुछ तो अलग है। तो सीन ऐसा है भाई कि मैं आया हूँ अपने गांव महाराष्ट्र में, तो मैं आप लोगों को पूरा मैं अपना गांव का टूर देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपने खेत का आप लोगों को टूर देता हूँ, कैसा खेत है, कैसा हम लोग का घर है वगैरह, सब 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 बताऊँगा। तो बहुत ही प्यारी जगह, पहले तो भाई मेरे पीछे देख लो, सीन देख लो खाली। और मैंने सीधा यहीं पे आके व्लॉग चालू किया, मैंने कुछ ट्रैवल व्लॉग वगैरह कुछ शूट नहीं किया है। सोचा कि क्या ही ट्रैवल व्लॉग शूट करना, जो मैं दुलिया वगैरह गया था तो उस टाइम पे मैंने किया ही था, तो सेम ही रूट है, कुछ अलग नहीं है, तो वो आप लोग देख लेना जाके। तो ये देखो, ये हम लोग का पहले तो घर है और ये आजू बाजू पूरा खेत जैसा कि देख सकते हो, बहुत ही प्यारा है। और बारिश के टाइम पे तो जो मतलब सीन आ रहा है ना, जो पहाड़ वहाड़ बादल वादल ऊपर देखो, मौसम भी बहुत सही हो रहा है। तो ये एक्चुअली हम लोग मतलब जिसमें रहते हैं वो घर नहीं है, खाली खेत में एक बनाया हुआ है, यहाँ पे सब अंदर सामान ही रहता है और कुछ नहीं रहता है। तो वो अपने चाचा के दोनों लड़के नहीं, एक्चुअली वो जो ब्लैक वाला है वो अपने चाचा का लड़का है और वो बुआ का लड़का है। तो ये लोग आज पूरा मतलब अभी दो जो भी व्लॉग वगैरह रहेगा ये लोग मेरे साथ रहने वाले, इन लोगों को आप देखते रहोगे। और मैं अच्छे से मिला तो आप लोगों को, पहले मैं आप लोगों को खेत दिखा देता हूँ। तो ये कुछ हम लोगों का खेत है पूरा। तो यहाँ पे ऐसा मतलब सारी गायें बांधी रहती है इस तरह से, ये कुआ जो कि फिलहाल अच्छा खासा पानी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गहरा होता है। यहाँ पे जो भी बकरिया वगैरह है वो सब बांधते हैं। तो ये जो पूरा खेत है चाचा संभालते हैं, तो फिलहाल तो कुछ काम वगैरह है नहीं इसका, थोड़ा मेरे को करना पड़ेगा बहुत। हाँ तो फिलहाल तो कुछ काम है नहीं, तो सुबह के जितने भी काम वगैरह थे वो सब हो चुके हैं, तो यहाँ पे भी फिलहाल कोई है नहीं। बाकी जो खेत संभालते हैं वो वहाँ पे अपना काम में लगे हुए हैं। तो फिलहाल तो कुछ काम नहीं, छोटे मोटे काम है हम लोग को करने के लिए दिए है। मिलो, ये है मेरा बुआ का लड़का, दोनों कजिन है मेरे, वो है चाचा का लड़का जो ये खेत संभालते हैं। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं बैल जो आगे बांधे हुए हैं उनको लेने के लिए, उनको लेके आने का है, पानी वानी पिलाने का है और यहाँ पे आके बांध देने का बस। तो इतना अपना एजेंडा है अभी का। हम लोग खेतों के बीच में से जा रही है, सब लगते हैं यहाँ पे खेत वगैरह जोतने के लिए। यहाँ पे अभी फिलहाल रुई लगाई हुई है, कपासी बोलते हैं हम लोग मराठी में, कपासी लगाई हुई है अभी फिलहाल। सो यू आर आवर इंस्ट्रक्टर फॉर टुडे। अरे यार ऐसा इंस्ट्रक्टर बनेगा तू? तो वैसे भाई ये लोग मेरे लिए एडजस्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इन लोगों को पूरा मतलब मराठी बोलने की आदत है, तो हिंदी वगैरह ये लोग बोलते हैं तो थोड़ा अलग साउंड कर रहा होगा आप लोगों को इनकी हिंदी, लेकिन बेचारा मेरे लिए एडजस्ट कर रहे हैं। मैं सोच रहा था वैसे पूरा मराठी में ब्लॉग करूँ, लेकिन फिर सोचा रहने देते, ये थोड़ा मतलब ब्लॉग बना लूंगा। वो रहे बैल वहाँ पे बांधे हुए। और ब्रो क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं। तो भाई गया यहाँ तक लेके आएगा, फिर अपन आगे चलते देखिए। बाकी यहाँ पे कुछ दिनों से बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो मौसम बहुत सही बना हुआ है, मतलब दिन में बिल्कुल बारिश नहीं रहती है, खाली ऐसे मौसम रहता है और रात में बारिश चालू होती है। ये देखो फुल ग्रीनरी है और भाई उसमें ऐसा मौसम बहुत कड़क। तो ये पूरा यहाँ से जितना भी आगे तक ये हमारा खेत है, वहाँ से वहाँ तक और यहाँ से आगे बहुत आगे तक। तो भाई देखो अपना एक्सपीरियंस्ड अकेला ही लेके आ रहा है दोनों बैलों को। ये देखो भाई, ए भाई ए भाई ए भाई भाई क्या खतरनाक दिख रहे। देखो शायद मतलब वीडियो में इतना खतरनाक मतलब इतना अंदाजा नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे रियल में मेरे को बहुत ज्यादा ऐसे बड़े बड़े दिख रहे, एकदम तगड़े तगड़े। बाकी देखो भाई आजू बाजू में पूरा पहाड़ है, फुल पहाड़ों के बीच में ऐसा मतलब खेत। भाई मैं मतलब भाई बता नहीं सकता कि मतलब कितना बहुत कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। मैं खुद भी मतलब है ना बहुत टाइम बाद ऐसा देख रहा हूँ, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी में आता था तो इतना कुछ मतलब देखने मिलता नहीं था, हरियाली वगैरह, लेकिन अभी बहुत टाइम बाद ऐसे बारिश वगैरह में आने का प्लान बना हम लोग का, तो और भी ब्यूटीफुल लग रहा है। तो ये देखो अभी इनको गाड़ी पर लगा रहे। बाकी क्या कड़क दिख रहा है भाई, देखो ना सामने से। तो सीन ऐसा है कि अभी अपने को ये लेके जाके ये लोग ही चलाएंगे, इनको आता है भाई एकदम अच्छे से, तो लेके जाके अपने को गायों के लिए चारा वगैरह लेके आने का। पोछ दे कुछ चला हाथ लोग भाई, जो फट रही है ना मेरी, लेकिन बहुत सही लग रहा है।
भाई 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 जो दिखा बहुत खतरनाक गिर रहा है। तो भाई ये देखो, हाय 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 हाय, देसी सवारी भाई, बहुत मजा आ गया, पर बाकी बहुत सही था। तो यहाँ से अपने को जो पूरा चारा है इसको डालने का है, वहाँ पे गायों के लिए लेके जाने का है। तो ये है हमारे बापू काका, हम लोग बोलते हैं इनको। तो चारा लोड हो चुका है अपना पूरा, जो भी है अभी इसको लेके जाने का है। इतना सफिशिएंट नहीं होगा तो और अपने को लेके जाना पड़ेगा। तो भाई मेरे को तो ऐसे काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मतलब फुल ऐसा, मतलब क्योंकि अपने को ऐसा कुछ आदत नहीं रहती ऐसा कुछ करने की, तो इनके लिए तो भाई डेली का काम है। तो मेरे को पीछे से अभी बोल रहे हैं कि क्या मज़ा आ रहा है तेरे को, पता नहीं हम लोग का अभी रोज का है ऐसा वैसा, तो हम लोग को तो घंटा ला रहे हैं। मैं भाई साल में एक दो बार आता हूँ, ये सब करता हूँ, तो मेरे को तो भाई बहुत सही लगता है। मैं मतलब ऑलमोस्ट बहुत से काम कर लेता हूँ, मेरे को आते भी है जमते भी है। तो भाई अपना काम तो हो गया है, जो भी अपना काम वगैरह दिया था, हम लोग यहाँ पे खेल रहे थे अभी किसका बोल है भाई, इतना अच्छा कोई क्रिकेटर नहीं है मेरे को मालूम है, फिर भी लेट्स ट्राई दिस गेम। मिस। तो अपना काम तो हो गया, और कुछ काम नहीं है, बाकी का जो भी होगा वो सब वही संभाल लेंगे। तो अभी चलते घर के लिए। मैंने कुछ सिनेमैटिक शॉट वगैरह ले लिया है, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। हमारा घर, ये अंदर हम लोग का मेन हॉल है, यहाँ पे टीवी वगैरह चल रही है, इसी चेहरा आप लोगों को देखा हुआ लग रहा होगा। अरे अपनी आंटी, ये लोग अपने ब्लॉग वगैरह देखते हैं सारे, मेरे जितने भी ब्लॉग्स वगैरह रहते हैं, पर थोड़ा मतलब कैमरा वाले नहीं है, तो मतलब जो भी बोलते हो कैमरा के सामने आने में थोड़ा ये हो रहा है। बाकी मम्मी, तो बाकी ये हम लोग का घर यहाँ का, जो मतलब अब तक था, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे नया घर बनवा रहे, तो वहाँ पे रहने के लिए जल्दी मतलब ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। मैं आप लोग को दिखा तो लेके चलता हूँ वहाँ पे भी, तो घर भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया। तो अभी हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे वहाँ पे, कुछ दो महीने जैसे और है बस यहाँ पे लास्ट फाइनल। बाकी यहाँ पे हम लोग मतलब बचपन से मतलब यहीं पे आए, यहीं पे बड़े हुए, तो काफ़ी मतलब मेमोरीज वगैरह है इस घर के साथ। तो मैं अभी अपने जो प्लॉट है उस पर आ गया हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखा दो किस तरह से है, बहुत ही प्यारा है और बहुत ही सही जगह पे है, जो आजूबाजू देख रहे हो पूरा ओपन एरिया है। तो ये देखो भाई, ये है अपना पूरा मतलब बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है, अंदर के जो छोटे मोटे काम है वो सब चल रहा है अभी। इसका एंट्रेंस यहाँ पे, ऐसा गेट आएगा। चाचा जी से मिली अपने, जिनका हाथ फ्रैक्चर हो गया फिलहाल तो गोलियां वगैरह खा रहे हैं अपने कजिन। हम लोग यहाँ पे अभी फिलहाल ये जो ग्रिल का वगैरह काम है वो सब चालू है। ये है अपना मेन हॉल, ये है किचन, बेडरूम, एक और बेडरूम, तो आप लोगों को थोड़ा ऊपर लेके चलता हूँ। तो ये है अपना फर्स्ट फ्लोर, यहाँ से सीन देखो भाई। तो यहाँ पे एक ऐसा रूम बनाया हुआ, दो रूम बनाए हुए, बाकी यहाँ पे भी मतलब ओपन एरिया है, यहाँ पे कुछ ग्रिल यहाँ पे भी लग जाएगी। बाकी यहाँ से सीन बहुत सही दिखता है भाई, यहाँ वैसे आजू बाजू में घर और आने वाले तो थोड़ा थोड़ा ये सब ढक जाएगा, लेकिन भाई अभी जो दिख रहा है ना बहुत सही। ये है टेरेस, ये देखो भाई, तो हल्की हल्की बारिश चालू हो गई, वैसे फुल पहाड़ आजू बाजू, और यहाँ पे नीचे सामने एक बहुत बहुत सही मंदिर है, पूरा ओपन एरिया दिया हुआ है मतलब बैठने के लिए, घूमने के लिए। बाकी ऐसा कुछ है जो अपना नया घर जो बन रहा है, ऑलमोस्ट बन चुका है। तो मैंने पूरा आप लोगों को खेत दिखा दिया, हम लोग के दोनों घर दिखा दिए, जो मतलब अभी का जो प्रेजेंट घर है वो, और जो बन रहा है जहाँ पे हम लोग अभी शिफ्ट होने वाले हैं वो, फिर मंदिर वगैरह दिखा दिया, मंदिर से हम लोग आ गए हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, आगे का जितना भी हम लोग जो भी हम लोग करने वाले हैं वो मैं अगले ब्लॉग में मतलब अगला ब्लॉग बनाने का सोच रहा हूँ, तो उसमें मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। तो इस ब्लॉग के लिए इतना ही, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले ब्लॉग में,